नमस्कार, ऑनलाइन टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ पूजा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाने वाली एक्ट्रेस अंजना सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अंजना जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका ऑनलाइन टीवी में। भोजपुरी फिल्मों में तो भाई आपसे बड़ा कोई नाम नहीं आज के डेट में, आपने कई सारी फिल्में की हैं, पर इस बार आप रामलीला में सीता का किरदार निभा रही हैं, तो नो डाउट पहली बार है, पहला मौका मिला है ऐसा, ऐसे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं लव कुश रामलीला को धन्यवाद बोलना चाहूँगी और अशोक अग्रवाल जी को कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे सीता के किरदार के लिए मुझे सेलेक्ट किया। और ये अपने आप में एक प्राउड फील करने वाली बात है, क्योंकि हम लोग कमर्शियली फिल्में बहुत करते हैं, कैमरा के सामने करते हैं, बट ये लाइव परफॉर्मेंस भी एक मुझे एक अच्छा और बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और मैं एज एन सीता जी आऊँगी सबके सामने, मैं बस देखना चाहती हूँ, मेरी माँ, मेरी फैमिली, सब लोग बहुत ही खुश होंगे। क्या आपने कभी भोजपुरी फिल्म में सीता का किरदार निभाया है? अभी तक तो नहीं, बट मैं लाइव और अभी तक मैंने सीता का किरदार भोजपुरी फिल्मों में नहीं निभाया है। मैं नागिन बनी हूँ, मैंने काफ़ी सारे ऐसे डिफरेंट रोल्स किए हैं, बट सीता जी का रोल मैं फर्स्ट टाइम, वो भी लाइव और वो भी इतने बड़े मंच पर कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ। बिल्कुल, भोजपुरी फिल्में तो कई फ्लेवर की होती है, सारे फ्लेवर मिल जाते हैं उस पर सीता का किरदार निभाना कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? चैलेंजिंग तो है, बट जो सीता जी के जीवन से मुझे सीख मिलती है या हर नारी को सीख मिलती है कि त्याग, साहस और समर्पण, ये मुझ में भी है। और उसको प्रेजेंट करना, उनके जीवन से वो सीख लेके और उस समय में जाके उन्होंने क्या क्या चीज़ें की थी वो प्रेजेंट करना, वो भी लाइव, बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए हम लोग के रिहर्सल्स होते हैं, हमारी सारी चीज़ें होती हैं, फिर हम लोग परफेक्ट, बिकॉज यहाँ पे रीटेक नहीं होता है, वन टाइम शॉट है, लाइव परफॉर्मेंस करनी है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। जी बिल्कुल, आपने भोजपुरी में कई तरह की रोल को निभाया है और नो डाउट उसमें जी जान आप लगा देती हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती हैं जो स्क्रीन पे दिखता है, पर सीता के किरदार के लिए आप इसमें कितना ज़्यादा वक्त दे रही हैं? जैसा कि यहाँ पे हमारी कम्युनिटी जो है लव कुश रामलीला, जैसा भी जो भी रिहर्सल्स के लिए रखी, हम लोगों ने ऑलरेडी डेट्स की सारी बातें कर ली हैं और जैसे जैसे रिहर्सल्स होगी और मैं अपना 200% एज एन सीता जी मंच पे दूंगी और हमारे जो भी हमारे मतलब ऑडियंस आएंगी, उन्होंने एक भी क्लैप किया तो और उन्होंने मुझे एज एन सीता एक्सेप्ट किया अपनी तालियों के जरिए, तो मैं समझ जाऊंगी कि मैंने अच्छा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजना जी। तो ये थी हमारे साथ भोजपुरी की जानी मानी हस्ती अंजना सिंह, जो इस बार लव कुश कमेटी में सीता का रोल निभा रही है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से उन्हें भोजपुरी फिल्मों में प्यार मिला है वो यहाँ मिल पाएगा या नहीं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं पूजा, R9 TV दिल्ली।